नया नया कोई भी सामान होता है तो जानते ही हैं कितना प्यारा होता है वो, और दिल के करीब होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। और दोस्तों आज मेरी सपनों की रानी आने वाली है, जो कि खुशी भी है और थोड़ा डर भी, नर्वसनेस फील हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम है। और दोस्तों आप सभी को सपोर्ट चाहिए, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल करना भी मत भूलिएगा। क्योंकि सपनों का रानी जो है मेरी हाजीपुर में है, और हाजीपुर से चलते हैं यहाँ से हम लोग लाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और निकलते हैं यहाँ से हम लोग। इस एकदम न्यू नवेली दुल्हन को अभी देख रहे हैं हम लोग, पूरा निरेख निरेख के कि भाई एकदम जाकी के नहीं है। कैसे स्टार्ट करेगा जी? लो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। दोस्तों सोनपुर, और सोनपुर के ये पुराना वाला पुल है सोनपुर नदी का, और वो जो दिख रहा है वो नया वाला है। नया बाइक लेकर फर्स्ट टाइम इस पुल पे आया हूँ, नहीं तो हम लोग उसी पुल से निकल जाते थे। वो सीधे निकल जाता है आगे गांधी मैदान साइड की तरफ, ऊपर ऊपर ही ब्रिज से, और ये नीचे नीचे होकर आता है। इसलिए हम लोग ये रूट प्रेफर किए हैं कि इसी रूट से हम लोग निकलेंगे। और दोस्तों पता ना, इसमें हम लोग सेटअप किए हैं हेलमेट में, जो कि माउंट था वो टूट गया था, दूसरा माउंट लगाए हैं। पता नहीं कैसा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, आई डोंट नो। अब देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद से दूसरा माउंट मंगाना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाकर सही से वीडियो शूट हो पाएगा। लोकल मार्केट था दोस्तों, लोकल मार्केट से निकलने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि कौन किधर से आएगा कोई भरोसा नहीं होता है। वैसे भी हम लोग न्यू बाइक लिए हैं और इसका थोड़ा सा भी कंट्रोलिंग हम लोगों को उतना क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देख देख कर चलाना पड़ रहा है। अब सोनपुर मार्केट ख़त्म होने वाला है। फाइनली दोस्तों हम लोग हाईवे पर आ गए हैं, मतलब हाईवे पकड़ लिए हैं अब लोग हम लोग, और यहाँ से जाने में हम लोग को मात्र 2-2.5 घंटा लगेगा हम लोग को। ये चलते हैं और बाइक का जो भी है आप लोग को धीरे धीरे चलाते जाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस मिलते जाएगा कि कौन क्या चीज़ है। उतना हम लोग को, हमको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसलिए आप लोगों को हम नहीं बता सकते हैं। और कुछ दिन चला लेंगे, उसके बाद से जो भी होगा, जो कमेंट कीजिएगा उसका हम आंसर कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए तो ये सुपर बाइक ही है, इसको टूरिंग बाइक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरे लिए सुपर बाइक है, फर्स्ट टाइम आई है अपने पास। सर था जो 150 cc का था, उसको चलाए हैं हम लोग, उसके बाद से उसके ऊपर हम लोग cc नहीं चला पाए हैं, ना हम लोग खरीद पाए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम ये बाइक परचेज किए हैं हम लोग, संभाल कर चलाना पड़ेगा दोस्तों। न्यू है अभी, नया नया कोई भी सामान होता है तो जानते ही हैं कितना प्यारा होता है वो, और दिल के करीब होता है। पता है कि इसका हैंडल जो है कंफर्टेबल है, एकदम कॉम्पैक्ट है। RC का थोड़ा सा आदमी पूरा झुक जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है उसमें। इसमें एकदम कंफर्टेबल बैठता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्का सा दिक्कत ये हो रहा है कि क्योंकि हम लोग नया नया हैं और नया नया बाइक भी है, वैसे इसका सिस्टम हम लोग को समझ में अभी उतना आ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा है। जैसे सब समझ में आ जाएगा तो वैसे एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जैसे मन करो वैसे चलाओ। और अरे यार ऐसा लग रहा है कि हम 11वां लगाते जाए, 200 को गियर होता ना सब, तो सब 11वां लगा देते। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसमें चलाने में,
पता नहीं क्यों दोस्तों ये थोड़ा सा हीट मार रही है हम लोग का, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हीट मार रही है। अब 100 cc हम लोग बाइक चलाए हैं, 100 cc का हीटिंग होता था लेकिन उसको उतना समझ में नहीं आता था, और पता ना इसमें क्यों हीट मार रही है, लग रहा है ऐसा 250 cc इंजन है इसलिए हीट मार रही है। वैसे भी तो हम लोग कॉल करके पूछे हैं शोरूम, तो बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर जाकर फ़ोन कीजिएगा, उसके बाद से पता चलेगा कंडीशन। और थोड़ा सा हम लोग हाईवे से नीचे उतर गए हैं क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं हम लोग, टाइम कम है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, इसका लाइट भी उतना तेज़ नहीं है कि हम लोग देख निकलेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों अपने पार्टनर को दिए हूँ बाइक चलाने के लिए, और मतलब सोचा कि इसको भी देते हैं थोड़ा सा चला के कॉन्फिडेंस ले ले, क्योंकि आगे अभी नया नया बाइक है तो थोड़ा सा चलाने में मज़ा आता है नया नया। और अभी देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लोकेशन है जो कि हम लोग निकले हैं बाईपास की ओर से, और ये सीधे बाईपास छपरा में मिलेगा दोस्तों। और वैसे भी मेरा ये जो कैमरा है, कैमरा का बैटरी डाउन हो गया है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको हम एक ही बार घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, जो कि हम लोग कल बाइक लेकर घर पहुंच गए थे और अच्छा से पहुंच गए थे। कल नाइट में वीडियो एंड करना मैं भूल नहीं गया था क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग आने में, क्योंकि 250-250 किलोमीटर बाइक चलाना था, इसलिए थकान ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग वीडियो एंड नहीं किए। तो इस समय वीडियो एंड कर देते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं बाइक कहाँ खड़ी है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बाइक मेरी जो कि खड़ी है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बाइक आ गई है तो आप लोगों को डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।